अब आप कुछ ही घंटों में अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। चौंकिए मत, दरअसल एक नई सर्विस की शुरुआत की गई है जिससे लोगों को पैन कार्ड के लिए ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका यूज कई जगह पड़ता है, बैंक खाता खोलने से लेकर किसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। बैंक कार्ड का रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है जो इसके जरिए लोगों के वित्तीय जानकारी पर नजर रखता है। फिनो पेमेंट्स बैंक की ओर से एक नई सर्विस की शुरुआत की गई है जिससे अब कुछ ही घंटों में पैन कार्ड का डिजिटल वर्जन पाया जा सकता है। इसके लिए बस आधार ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत होगी। बैंक ने भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पैन कार्ड जारी करने की सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज के साथ करार किया है। फिनो बैंक ने एक बयान में कहा कि टाई अप प्रोटीन को फिनो बैंक के 12,20,000 से अधिक मर्चेंट पॉइंट्स के फिजिकल नेटवर्क के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों में अपनी पहुंच का विस्तार करने की अनुमति देगा। इस टाई अप के साथ फिनो प्रोटीन की पैन सेवा एजेंसी यानी PCA के रूप में कार्य करने वाला पहला भुगतान बैंक बन चुका है। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं ये पैन कार्ड। तो फिनो बैंक सेंटर्स की मदद से कोई भी यूजर पैन कार्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन के बाद पा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अलग से दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा यूजर्स को पैन कार्ड डिजिटल और फिजिकल फॉर्म में सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। फिनो बैंक ने कहा कि डिजिटल वर्जन पैन कार्ड या ई पैन अप्लाई करने के कुछ ही घंटों में यूजर्स के ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। हालांकि ई पैन कार्ड फिजिकल पैन कार्ड की तरह ही मान्य है और इसका उपयोग भी हर जगह किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं तो फिनो बैंक की सर्विस की मदद से 4 से 5 दिनों में आपके आधार वाले एड्रेस पर पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। अगर पैन कार्ड की हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए। यहाँ डिटेल्स भरने के बाद पैन कार्ड की हार्ड कॉपी अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। एक बात और, देश के अंदर पैन कार्ड मंगवाने के लिए 93 रुपए प्लस 18% GST के हिसाब से 110 रुपए फीस देनी होगी। वहीं अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको 1,011 रुपए की फीस चुकानी होगी। बता दें 1 अप्रैल 2023 से आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख मार्च 2023 है। आयकर विभाग के अनुसार अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। आपका पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसे कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप आखिरी तारीख यानी मार्च 2023 से पहले अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक जरूर करवा लें।